ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैक अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद आसा महला पहला वार सलोकनाल श्लोक भी मेले पहले के लिखे तुंडे असराजे की धुन श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत नाला दीवार मल्ला दूजा जे सौ चंदा युग वे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार मल्ला पहला नानक गुरु न चेतन मन अपने सुचे छुटे तिल बुआर जूं सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कौ नानक सोना फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआव पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए कर आसन दिठो चाओ दाता करता आप तू तुस दे करे पसाओ तू जाऊई सब से दिल से जिंद को आओ कर आसन दिठो चाओ कर आसन दिठो चाओ। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की अदुत्ती रचनावां देखों एक महान अमर कलाम आप जी की पावन बाणी जिसका नाम आसा दुआर है। सियाणियों का ऐसा कहना है कि आसा राग दे जन्मदाता भी गुरु नानक देव जी महाराज ने, क्योंकि संगीत के ग्रंथां विच आसा ते माज राग मिलता नहीं, लिहाजा सियाणियों का ऐसा कहना ये दो राग गुरु नानक देव जी महाराज की देन ने। इस राग विच सतगुरु देव जी महाराज ने जिहड़ी अपनी अगमी रचना उचारण की है उसका नाम है आसा दीवार। वार ओ कलाम ओ बाणी जो जंगी तर्ज नाल उचारण की जाती है और ये कुछ स्वभाविक ही ऐसा हो गया है कि वार शब्द के अर्थ इत्थे ही जंगी ने जंगी तर्ज के नाल उचारण की हुई बाणी। हिंदुस्तान जिथे संतां महापुरुषां दा देश है उथे सूरबीर महाबली ते जोधियां दा देश भी इह है। इस विच गाहे बगाहे जो जोधे पैदा हुंदे रहे सूर में पैदा हुंदे रहे ढाडी लोग जो वास्तविक किसे हद तक छंदाबंदी स्वयं करके ते सूर में भी किसे महापुरुष दी उपमा करनी इस तरह के पुरुषा नूं कहा जांदा सी ढाडी। ये दोनों भी खुद बनांदे सन ते तर्ज खुद अपने अंदरों पैदा करते सन। लिहाजा आसा दीवार उत्ते जिहड़ी धुन चढ़ी हुई है उस धुन का नाम है टुंडे असराजे की धुन। एक असराज नाम का राजा होया जो वास्तविक टुंडा सी एक हथ सी उसका, लेकिन एक हथ दे होंदे आया भी उदी सूरबीरता का सिक्का चारों पासे जमे होया सी। उदी सियाणप बड़ी दूर दराज तक फैली हुई सी और उसने अपने सियाणप ते अपने बाहुबल दे नाल बहुत कुछ प्राप्त किया होया सी
और चारों पासे उसका दबदबा से। सियाने ढाडी लोगों ने आख की उपमा असराज की उपमा जो गीत गाए कि जिस तरज गाए जिस धुन गाए उस धुन का नाम पै गया टुंडे असराजे की धुन। उंज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच वारां दे उपर इस तरीके दियां नौ धुनां चढ़िया हुई ने जिहदे च इक ए धुन है फिर चंद्रहाड़ा सोइयों की धुनी गावने लमला बहवीमा की धुनी गावने ए इत्यादक ए धुना ने इक तर्ज ऐसी तर्ज जो किसी संगीतकार दे नाल ही जुड़ के रह गई और उस दे नाल जुड़ के रह गए जिसकी उपमा विच ओ गीत ते तर्ज उचारण कीती गई। ए धुना गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं इतनियां प्यारियां लगियां इतनियां चंगियां लगियां कि आपने उन्हां धुनां नूं वी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे थां दे दित्ती। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिथे कविता साहित दे अदुत्ती खजाने ने ज्ञान दे महासागर ने उत्थे संगीत दे वी महान अथाह नमकण वाले सागर ने। किसी भी पक्ष तों गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं लईए जिंदगी दे हर मसले दा हल ते जिंदगी दे हर मसले दी पूर्णता गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विचों प्राप्त होंदी है। चाहे ज्ञान दे पक्ष नूं लईए विज्ञान दे पक्ष नूं लईए समाज दे पक्ष नूं लईए राजनीति दे पक्ष नूं लईए संगीत साहित्य ते कला दे पक्ष तों लईए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हर पक्ष विच संपूर्ण ने मुकम्मल ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगमी बाणियां जपजी साहब सिद्ध गोश्त तुखारी बारामा इस तरह दियां महान बाणियां दे चुनी आप दी एक महान बाणी है आसा विगास। इस विच दर्शन फिलसफा अध्यात्मिकता और भाव इन्हां सारे धार्मिक चिन्हां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर किया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बनी हुई मर्यादा के मुताबिक इस बाणी के उपर भी पहले मंगलाचरण है मूल मंत्र है लिहाजा उसके अखरी अर्थ एक ओंकार तो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है वो सत स्वरूप है उसका नाम सत है वो कृत नहीं करता है और ऐसा करता है कि अपनी कृत विच पूरे होया व्यापक है वो भय तो रहत है वैर तो रहत है काल तो रहत है लेकिन कल्पना मात्र नहीं है मूर्तिमान है वो जन्म विच नहीं है और सुते सित अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है वो गुरु है ते प्रसाद वो दया की मूर्ति है वो रहमत का खजाना है। आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे ते वार महले पहले भी है ते सारी दी सारी वार जिस जितनिया पौड़िया ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां उचारण कीतियां हुईयां ने लेकिन ये शब्द जिहड़े नाल जुड़े ने सलोक भी महले पहले के सिर्फ पौड़ी ही गुरु नानक देव जी महाराज के उचारण कीती हुई नहीं सलोक भी गुरु नानक देव जी महाराज के उचारण कीते ने वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़ियां ही ने सलोक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद विच जोड़े ने जिहड़े जिहड़े सलोक वारां विच पौड़ियां नाल शमूलियत नहीं हासिल कर सके ऐसे सलोकां नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अखीर विच दर्ज करके उन्हां दा सिरलेख लिखिया सलोक वारां तो वधीक ओ सलोक जो वारां विच नहीं समा सके वारां दे नाल नहीं जोड़े जा सके। तो आसा राग दे अंदर ये वार उचारण कीती हुई है कि दिते हुए इस सिरलेख के मुताबिक सलोक भी पहले पातशाह जी दे ने सलोक महला पहला प्रथम सलोक बलहारी गुर आपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। प्रथम श्लोक विच गुरु की उपमा